में इस बार देखो जी लगभग तो कांग्रेस सरकार इस बार डबवाली में तो यहाँ तो कांटे की टक्कर है जी, कांटे की टक्कर, बिल्कुल दो पार्टियों की कांटे की टक्कर है, तीनों की असल में तो जी। जैसे कांटा किसका निकलने वाला है इस बार? कांटा तो ये अभी 5 तारीख को पता चलेगा किसका निकलता है। कोई ना कोई विकास है, ना कोई रोजगार है, मान तो कि दिखे को नहीं, महंगाई तंग हो लाग रहे हैं, महंगाई से तंग हो रहे हैं आप, सारा की हवा है, सब एक हाँ सब की हवा है, एक ही कम को नहीं। अच्छा, आपके मन में सारा की हवा है, नेताओं को तो आप लोगों ने घुमा ही रखा है, मुझे भी घुमा रहे हैं। कम होंगे नहीं फिर की वोट पा देने, कई बार किसी पार्टी में जी करता पा देने, नोटा तो है उसमें पा देने। बीजेपी 10 साल सत्ता में रही, काम वाम हुए क्या? ना कोई नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। हरियाणा में चुनाव के बस कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि हरियाणा में जो है वो कुछ भी हो सकता है। चुनाव से ठीक पहले हम जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि जनता इस बार जो है आखिरकार किस पार्टी की सरकार चाहती है। इस वक्त हम मौजूद हैं डबवाली विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े गाँव में से एक गाँव गंगा, यहाँ पर खास करके सभी पार्टियों की नज़र रहती है इस गांव के ऊपर, क्योंकि अच्छे खासे वोट है, करीब 10,000 के आसपास इस गांव में वोट है, तो आम तौर पर जितनी भी पार्टियां हैं इस गांव के ऊपर नज़र गड़ाए हुए है कि इस गांव का वोटर जो है वो क्या सोच रहा है। और दूसरी बात यह है कि बीते 10 साल में यहाँ पर जो गाँव देहात की हम जब खास करके बात करते हैं, ये महाग्राम के नाम से जाना जाता है, तो क्या काम हुए, क्या बीजेपी सरकार जो रही उसमें 4 साल जेजेपी की रहे और जेजेपी का उम्मीदवार भी यहाँ से हैं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय चौटाला, जो जेजेपी के प्रधान महासचिव भी है, वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है? नाम तो जब्बा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि ये तो बहुत बड़ा गांव है, ये इसमें काम वाम सरकार ने किए कुछ? काम तो करी है जरा ने जी, काम तो करी है। हाँ। अभी तो इतने कोई पता नहीं लग रहा, अभी तो एक कोजे टक्कर हो रही है। हाँ। यहाँ पे एक तरफ आदित्य चौटाला, एक तरफ दिग्विजय चौटाला, एक तरफ अमित सिहाग चौटाला, कोई दुनिया का माहौल एक कोजे हो रहा है, कोई पता नहीं लग रहा है। हमें झूठ नहीं मारते। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? जो दुनिया हम मेरे कले के चाहिए क्या हो? फिर भी अपना तो अपना अपना ही तो होता है ना। नहीं, अपना मैं तो कोई अपन किसी का पक्ष नहीं लेने अपन। वैसे हवा ज़्यादा किसकी है? हवा का क्या पता लग रहा, हवा का पता नहीं ना लग रहा थे। हाँ। हवा का कोई पता नहीं लग रहा, गिरे हमें झूठ नहीं मारते। अच्छा। किसी को क्यों आखिए अपन? आप जो दुनिया चाहेगी बना लेगी। फिर भी यहाँ पे किसी एक का तो जिक्र ज़्यादा हो रहा होगा कि ये भारी सारे एक सके होए पे। हाँ जी, नीरे अंदर की बात नहीं नहीं है, लेकिन फिर नहीं पता है। आपका दिल क्या कहता है कि इसको मैं मेरे क्या जड़े पासे आ जाती है दुनिया, उसे पासे हो जाती है, कोई पता नहीं लग रहा, कोई पता नहीं लग रहा ना, मैं झूठ नहीं बोल। चलिए कोई बात नहीं, ये तो नहीं बता रहे अंदर की बात। राम राम जी। अच्छा, ये बोलेंगे राजा? राम राम माने को नहीं? राम राम, राम राम तो मानना है। देखो, राम राम मान रहे हैं क्यों नहीं मान रहे हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? मंदर है जी। मुझे ये बताइए कि ये जो 10 साल खट्टर सरकार रही, इसमें अब तो नायब सिंह सैनी है, कुछ काम वाम हुए क्या गांव देहात में, खेत किसानी के? ठीक हुए, ठीक है। हाँ, क्या यहाँ पे जैसे ये तो महाग्राम है, बड़ा गांव है, सारी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस गांव पे नज़र रखे हुए हैं, जेजेपी है, बीजेपी है, इनेलो है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी भी है ना, क्या लग रहा है, क्या हवा सवा है यहाँ पे? हवा कैसे? हवा मतलब किस कौन से उम्मीदवार की हवा लग रही है, कौन सी पार्टी की? कोई पता कौन लग रहा है, रौनक दौर से ही है। अच्छा। हाँ, आदित्य है, अमित सिहाग है, दिग्विजय चौटाला है। हाँ, कोई पता नहीं, ये रौनक दौर से चल रही है। हाँ। हाँ। फिर भी हवा तो किसी एक की तरफ तो बह ही रही होगी है? किसी एक की तरफ तो जा ही रहा होगा, कोई बाहरी कैंडिडेट भी लग रहा होगा। मैंने बाहरी तो कट से देख रहे, कल आया सी का कांगड़ा कट सी का, इस रोड के कांगड़ा जी कट रहा अपने आया सी हुड्डा। हाँ, हुड्डा
उस हिसाब से देखते तो इसकी सरकार बनेगी, तो जे इसके देखते तो उन्होंने देखते रौल कदौल से हो रही है। अच्छा, हाँ भीड़ सारे लेके आ रहे लेकिन जनता को समझ नहीं आ रहा कि किसके साथ असली भीड़ है। हाँ, लेकिन वोट तो आपने डालना है ना, जनता ने तो देखो जनता तो साथ में आती है लेकिन वोट तो आपने डालने हैं, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए हरियाणा में? आपके साथ कैसे, आपके हिसाब से भी किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार, बदलाव होना चाहिए या बीजेपी एक बार फिर से आनी चाहिए? सरकार तो कोई हो, काम होना चाहिए, काम तो डबाली में कौन, डबाली में कौन जीतना चाहिए? देखो जीतने तो अभी क्या पता लगता है, वो तो बताया नहीं रहेगा। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरे से नहीं। आप मुझे बताओ एक बात बताओ बस, ये जो दस मैं डॉक्टर आदमी हूँ, संत जो हूँ मैं, गांव में मैं प्रचार प्रसार कौन कर सकूँ? पूछ लो, मैं कह रहा हूँ कि प्रचार प्रसार करना नहीं, डॉक्टर तो सबके सांझे होते हैं ना। अच्छा मुझे ये बताओ कि स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है यहाँ की? बढ़िया है। हाँ बस बढ़िया है, थैंक यू। सरकार सहयोग कर रही है? बिल्कुल ठीक है। राम राम। राम राम भाई, राम राम। मुझे ये बताइए कि अब तो चुनाव आ गए हैं, ये जो गाँव है महाग्राम, गांव महाग्राम है, इस गांव पे सारी जितनी भी पार्टियां हैं सब नजर गड़ाए हुए हैं, सब नजर गड़ाए बैठे हैं। तो किसकी नजर? आपकी पार्टी सारे आपो आपकी पार्टी के हिसाब में सारा इधर ही वोट, वोट रहे कौन ये एक भी नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि फिर वोटर कहाँ नजर गड़ाए हुए हैं, कौन सी पार्टी पे? आपो आपकी पार्टी है घी कौन बतावा भैया, फलानी जीती फलानी जीती, सब आपो आपकी पार्टी के अंदर बैठे है लोग, बताओ कि नहीं घी कौन है, बस बात यही है। आपका वोट आपका रेडी आई, वोट रहे कौन एक भी सारा, जब वोट रहे नहीं तो सरकार बांगे दफो लगा दी भी रेडू क्यों को नहीं। मैं पकड़ ली मैं डरता रेड ही वोट घरे कौन रखे वोट, वोट तो डालेंगे, वोट तो डालना जरूरी है ना लोकतंत्र बचाने के लिए। भाई तो बात कहाँ भैया, घरे कने रख लियो बिना काम को उड़ा माज बीता वोट रखियो क्यों, आ बात भी डरता रेड ही वोट बाकी सारा। यहाँ पे जैसे इनेलो से आदित्य चौटाला घूम रहे हैं, दिग्विजय चौटाला जेजेपी से, अमित शाह घूम रहे हैं, हवा हवा तो बता रही होगी, कुछ तो हवा बन रही है, सारंगी हवा है, सब एक सब की हवा है, एक ही कम को नहीं। अच्छा आपके मन में सारंगी हवा है, नेताओं को तो आप लोगों ने घुमा ही रखा है, मुझे भी घुमा रहे हैं नेता की सोपनी कौन जाना, मैं तो वोट भाई बाढ़। एक बात और बताइए, आप तो बुजुर्ग आदमी है, आपने तो चौधरी देवीलाल से लेकर नायब सिंह सैनी तक सरकार देखी है, इसमें बढ़िया सरकार किसकी रही? मन लगी मन तो दुनिया छोड़ो रू बाहर ज्यादा घूम दो रू। अच्छा हाँ, गांव पूछ ले भाई फलाना गांव रहे तुम किसे गांव रहे बहु पूछ ले। अच्छा हाँ, इस बीकानेर से पूछ गोल गोल घुमा रहे हैं आप हैं। क्या नाम है जी आपका? गाँव मुझे ये बताइए कि यहाँ पर काम वाम जो सरकार थी अभी जो चल भी रही है, एक तो 4 साल जेजीपी रही साझेदार, कैसी सरकार रही आपके हिसाब से, कितने नंबर देना चाहे 10 में से? तो ठीक ही है काम जी कुल मिला और मारा तो, बाकी नंबर नंबर के कर सकूंगा मैं तो, सब 10वां 8 ही ध्यान ले, 10वां 8 ठीक ठाक काम था, ठीक है हमारा तो कोई प्रॉब्लम आई को नहीं फेस। अब चुनाव आ गए क्योंकि ये गांव बहुत बड़ा है, करीब 10,000 से ऊपर इस गांव में वोट है, महाग्राम है, सारी पार्टियों की नज़र है, रोज नेता चक्कर मार रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं यहां पे, क्या जो चक्कर मार रहे हैं उनको जो चक्कर में जनता ने डाल रखा है कोई एक ही जीतेगा, क्या माहौल बन रहा है अभी? कोई तस्वीर क्लियर कौन सा, रोज टूटा है रोज की कोई साइड जुटा है, कोई प्रेशर पड़ा है, कोई रिश्तेदारी है, सारों की मतलब टाइट है प्रोग्राम, क्लियर कौन कुछ भी। इसी एक का तो हवा चल रही होगी, आदित्य है, अमित शाह है, दिग्विजय है, कुलदीप गदराणा है, बलदेव मांगियाना है, हवा ही आदित्य की, पर देखो अभी आगे क्या होगा। आदित्य आगे अभी हम मानते हैं, बाकी तो देखो हमारे एनालिसिस तो यही है आदित्य, क्योंकि आपके जो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या एक सीवरेज की थी, रहा ना हर आदमी के साथ टच रहा, इस वजह से उसको मानते हैं, वो दावेदार था, सही दावेदार था टिकट का, टिकट उसको मिली नहीं, फिर भी उसके साथ जनता है, यानी वो इनेलो में भी चले गए तब भी उनके साथ जनता है।
हर कोई ये मानता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। आप भी ये सोचते हैं कि बीजेपी ने सही नहीं किया, क्योंकि पहली लिस्ट में ही नाम आ जाना चाहिए था, सबसे बड़ा नेता था यहाँ पे। उससे पहले तो उसने वोट ही मांग लिए थे, टिकट अनाउंस होने से पहले वो गांव में डाणियों तक में एक एक दो दो चक्कर लगा चुका था वोटों की अपील करने के लिए। ये जो अभी जेजेपी की ओर से दिग्विजय चौटाला घूम रहे हैं, इनकी भी कुछ हवा सवा गांव में है या फिर भी देवीलाल का पोता ये कम है? हवा तो है ही, बाकी आके देखो क्या होता है। आपके हिसाब से आदित्य अभी गांव में स्ट्रॉन्ग है? हम तो यही मानते हैं जी। अजीताब जी, आदित्य लग रहा है अभी आगे? ठीक है, लग है। यही आपसे पूछ रहा था, पहले तो गोल गोल काम करे नहीं बना मिंग हिसाब लोग लग रहे हैं, बस ऐसे ही बात है। आदित्य के पीछे है, ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? विकास। विकास, आप तो युवा हैं, हरियाणा का विकास हुआ कि नहीं हुआ पिछले 10 सालों में? हुआ है। क्या क्या काम हुए हैं? सारी जो अस्पताल बन गए, सड़क बन गई, और सारो बड़ी हुई है। बीजेपी ये कहती रही कि हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया। ये हगे जो माने जल दुष्यंत हगा हो जिंदा काम हो 4 साल तई भी बाद में 2 साल में दे लो कित हुई है। इसके बाद में काम ज्यादा हुआ या कम? बस कम ही है, ठीक है। अच्छा, अब चुनाव आ गए हैं, अब युवाओं पे भी नज़र है सभी नेताओं की, बुजुर्गों में भी है, महिलाओं पर भी है। क्या लग रहा है, क्या आपके हिसाब से हरियाणा में सरकार बननी चाहिए? दिग्विजय। दिग्विजय, हाँ जी। ऐसा क्यों? क्यों युवा नेता सर सबकी सुना है, बढ़िया काम करे छोरों। दिग्विजय की हवा है क्या? है, फुल है हवा, फुल है हवा। हाँ, निकल जाएगी सीट? हाँ, निकल सकती है, बरोबर है टाकरा तीनों की बरोबर बरोबर है। अच्छा, बरोबर में भी आ गए हैं दिग्विजय। हाँ। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जब आप 4 साल सरकार में थे तब तो आप आए नहीं, लेकिन जब वोट पड़ रहे हैं तब आ गए आप। क्यों आते थे सर? अच्छा, हवा सुना। हाँ, एक लोग कहना वो अलग बात है। अच्छा, अलग विषय। हाँ जी, ताऊ जी, राम राम। ये बताइए, सरकार ठीक काम कर रही थी बीजेपी की 10 साल से? काम तो माड़ा मोटा जैसा आप जब कर ही है, पर कोई इतने कोई गंगा गांव में तो फायदा दिखे को नहीं, कोई ना कोई विकास है ना कोई रोजगार है, मान तो कि दिखे को नहीं। महंगाई तंग और लाग रहे हैं, महंगाई से तंग हो रहे हैं आप। हाँ, तो मुझे एक बात बताइए फिर, अब जब चुनाव आ जाते हैं तब तो सारे नेता घूमते हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, इनेलो का हो, कांग्रेस का हो, कोई सी भी पार्टी का हो, आजाद उम्मीदवार भी आते हैं आपके गांव में, है ना? सारा ही। तो आप उन लोगों को बोलते नहीं कि आपको 10 साल दिखा नहीं, 5 साल दिखा नहीं, पहले कुछ काम वाम करा नहीं आप लोगों ने? वायदा पे घना ही कर जाए, पर लारूं बस टप जे। हाँ। लारूं टप जे। हाँ। एकर वे कह दे मैं यहाँ करांगा, यहाँ करांगा, मुड़ के बस। अच्छा, अब चुनाव आ गए तो अब क्या हवा सवा लग रही है? हवा सवा देखो अभी, अभी 2-3 है टकरा हो रहे, अब देखो किसे की तकदीर काम करेगी। आपके हिसाब से सबसे मजबूत कौन लग रहा है, सबसे मजबूत ठाडा उम्मीदवार कौन है, तगड़ा उम्मीदवार? भाई अभी गाम गमा तो अभी देखे तो आदित्य कामयाब होगा। आदित्य है गाम गमा। आदित्य की हवा भी है क्या है गांव में? ये जो बड़ा कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाला जो मजमा आया था, इतने लोग आए थे उनके साथ, तो उसका कोई असर दिख रहा है? भाई बिंगो तभी देखो दुनिया के पता लग गए, पर यहाँ गाम गए माँ माहौल दे खाने मारा गंगा गांव में, तो इंगो के प्रभाव दिखा है। किसका? आदित्य को। आदित्य, ये जो दिग्विजय घूम रहे हैं इनका है? दिग्विजय चौटाला जो जेजीपी वाले घूम रहे हैं, अजय सिंह का जो लड़का है, उनका कैसा लग रहा है? अभी देखो इंगो माहौल तो इंगो ठीक है। पहले नंबर पे आप कह रहे हैं कि? पहले नंबर पर तो देखो अभी किंग किस्मत काम करेगी भाई। ज्यादा जिक्र जो है वो किसका हो रहा है? अभी देखो मतलब बता दिया उन्हें भी। क्या नाम है जी आपका? राजनीति के बारे में क्यों नहीं पता आपको, ये बताइए। आप वोट डालते हैं ना? वोट डाल देते जो कोई आ जाता वोट डाल देते हैं, और पता नहीं। वोट जब डालते हैं तो क्या देखते हैं? नेता का नाम देखते हैं, नेता का कद देखते हैं, नेता की पहुंच देखते हैं, क्या देखते हैं? कुछ नहीं, वोट पा देते हैं। वोट पा देते हैं।
तो अब की बार फिर कुछ देख के डालेंगे, काम वाम करने वाला नेता चाहिए या ऐसे ही करता है? कोई नहीं करता, कम होंगे नहीं गए, कम होंगे नहीं, फिर की वोट पा देने कई बार किसी पार्टी ने जी करता पा देने, नोटा तो है उसने पा देने, कम को होंगे तो है नहीं, फिर की है नहीं। इस गांव, ये क्योंकि बड़ा गांव है, करीब 10,000 से ऊपर वोट है इसमें, देखो जी, तो इस गांव के अंदर क्या लग रहा है? नरेगा वाला काम नहीं चल रहा, कोई और दिहाड़ी मजदूरी नहीं चल रही, फसल अब के माड़ी है, गरीब क्या करेगा मेरे को बताओ, फसल बिल्कुल कमजोर है, नरमेगी गवार की, आगे आने वाले गरीब बहुत मुश्किल हो जाएगी, गरीब को वो क्या करेगा, रोजगार कहीं है ही नहीं गा, रोजगार नहीं है, आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, फसलों के दाम अच्छे नहीं है, फसलों के बारे में कोई नहीं सोच रहा, गांव देहात की समस्या के बारे में कोई नहीं सोच रहा, तो आपके पास यही तो मौका होता है कि अगर सरकार काम ना करे या कोई नेता काम ना करे तो उसको बदल दो, बदलने के लिए आपके पास वोट का अधिकार है। वो तो जो 5 तारीख आएगी वो तो देखेंगे ना क्या होता है। अभी कोई हवा चवा चल रही है गाँव के? ना जी अभी कोई नहीं, तीनों पार्टी एक तरफ सारी एक सी चल रही है। क्या नाम है जी आपका? मिहाल सिंह। आप मुझे ये बताइए कि 10 साल जो रहे बीजेपी के, इसमें खट्टर मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, अब नायब सिंह सैनी बन गए, कुछ काम हुए गांव देहात के, खेत किसानी के या युवाओं के, महंगाई पे कंट्रोल? ये महंगाई मंगाई पर तो कोई कंट्रोल कौन नहीं हो, आदित्य ने काम करवाया है, तो खाड़ा बाड़ा या सड़कांगा लोगों का पर्सनल काम करवाया है, और कोई काम नहीं था सरकार। अब तो आदित्य जो है वो बीजेपी छोड़कर इनेलो में चले गए, टिकट उनकी कट गई थी, पहली लिस्ट में नाम नहीं आया, तो वो उसी से खफा होकर उन्होंने कहा कि आगे भी नाम नहीं आएगा, जब पहला, क्योंकि पहला लीडर था यहाँ का, तो इस वजह से जो है वो बीजेपी छोड़ के इनेलो में चले गए। तो अब भी है उनके साथ लोग? हाँ जी है, ज़्यादातर उनके साथ ही है, सीट निकालने का चांस है उनका, यहाँ से जीतने के पूरे चांस, पूरा चांस है। ये जो कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रोग्राम हुआ आपके गांव में, अच्छी खासी भीड़ भी थी, इससे कोई फर्क पड़ेगा? इससे मेरे ख्याल से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, के पास सिर्फ भीड़ भीड़ है, वोट नहीं, वोट नहीं पड़ेगा जी, कोई नहीं पड़ेगा, कोई फर्क, कोई कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एक मिनट जी, बीच में मत बोलो ना, आपसे पूछा था आपने कुछ बताया नहीं मुझे, हाँ तो ये कह रहे हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़े, मेरे को तो लगता नहीं आया कोई फर्क पड़ेगा, जनता ने पहले मन बना रखे। मन किसके साथ है? मन किसके साथ है जनता का? जनता का मन मेरे को तो लग रहा है आदित्य के साथ है। अमित सिहाग विधायक रहे 5 साल, गांव देहात में उन्होंने चक्कर वक्कर मारे, काम वाम की बात की आपके? हमने कभी देखे नहीं, कभी नहीं देखा, नहीं देखा। ये जो अभी दिग्विजय चौटाला है, लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत जगह जब घूमता हूँ ना यहाँ डबाली में, तो लोग मुझे एक शिकायत जरूर कहते हैं कि जब भी दिग्विजय मिले तो आप ये पूछना कि जब आप सरकार में थे 4 साल तब तो आप यहाँ आए नहीं, लेकिन जब जैसे ही सरकार से अलग हुए और वोट नजदीक आए, इनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, इनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, इनकी भी कुछ है हवा ना, मैं इनके बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहता। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? संदीप। क्या लग रहा है आपको फिर हरियाणा में इस बार? हरियाणा में इस बार देखो जी, लगभग तो कांग्रेस सरकार इस बार डबवाली में तो यहाँ तो कांटे की टक्कर है जी, कांटे की टक्कर, बिल्कुल दो पार्टियों की कांटे की टक्कर है, तीनों की असल में, तो जैसे कांटा किसका निकलने वाला है इस बार? कांटा तो ये अभी 5 तारीख को पता चलेगा किसका निकलता है। एक तरफ आदित्य, एक तरफ अमित, एक तरफ दिग्विजय, इन तीन में है या बाकी दो जो बीजेपी के है, बलदेव मांगियाना और आम आदमी पार्टी से कदराणा, इनका भी कुछ दिखता है? नहीं सर, बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का तो कोई कहीं नहीं कुछ दिख रहा, ये तीन ही पार्टियाँ जो है, जैसे आदित्य जी हैं और दिग्विजय जी हैं, अमित शाह जी हैं, इन तीनों में से बाजी है किसी की, इन तीनों में से किसी एक की बारी है। बिल्कुल जी। हवा किसकी चल रही है? हवा तो सर 50-50 है सभी की, किसी का एक का कुछ भी नहीं, कोई डिसाइड कर सकते लगभग। ताऊ जी अभी बता रहे थे कि आदित्य का पलड़ा भारी है। हाँ सर, काम आदित्य ने किए हैं, काम उन्होंने जितना उनसे हुआ तो काम उन्होंने आदित्य ने किया है, ये नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया। ये जो कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो रोड शो हुआ आपके गांव में, इसका कोई फर्क पड़ेगा? फर्क तो सर इसका भी पड़ेगा, फर्क बिल्कुल पड़ता है। भीड़ देख कर फर्क पड़ेगा या विचार देख कर फर्क पड़ेगा? विचार देख के ही फर्क पड़ता है सर, भीड़ देख के फर्क नहीं पड़ता, भीड़ तो मदारी के पास बहुत हो जाती है, ये विचार देख के फर्क पड़ता है सर। ठीक है।
करना आपकी जगह मैं होता ना, हाँ जी, तो इससे पूछ लेता भी, तू पहले तो कह रहा मेरे को पता नहीं और आप उधर चले गए। ये मैंने आपसे ये पहले भी बोला था मैंने। अच्छा आप मुझे बताओ, हाँ क्या फर्क पड़ेगा? कोई भी बड़ा लीडर आता ना, किसी भी पार्टी का आएगा तो वोट तो बढ़ेंगे कुछ ना कुछ। अच्छा किसी भी पार्टी का आएगा बड़ा लीडर आएगा वोट कुछ ना कुछ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ बलदेव मांगियाना वोट मांगने आए थे आपके गाँव में, हाँ, तो आप उनको एक बार ये बोल देते कि आप प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ बुलाइए, फिर तो फर्क पड़ जाता। वोट बढ़ेंगे वहाँ, प्रधानमंत्री मोदी आएगा तो वोट बढ़ेंगे। हाँ ये अब आप ये मुझे बताइए, फिर असली बात तो बता नहीं रहे आप, हवा किसकी है फिर? हवा का तो पता नहीं। अभी तो आप कह रहे थे कि हुड्डा के आने से बहुत फर्क पड़ा है। हमारे को तो कांग्रेस की हवा लगती है जी, सही बात है ना आपने बात। हमारे को तो कांग्रेस की लगती है और किसी को? तो फिर आप डर क्यों रहे थे ये बताइए। डरने की कोई बात नहीं, हमारे को कांग्रेस की हवा लगती है, आगे जो किसी की किस्मत है वो जीतेगा। ये बात नहीं ना आपने। क्या नाम है जी आपका? मांगेराम है जी। बीजेपी 10 साल सत्ता में रही, काम वाम हुए क्या? ना कोई नहीं होगा। क्या क्या नहीं हुए? गम में काम कम ही है, गलियां सारी पट के रेड दी, गलियों का काम नहीं हुआ। नहीं हुआ तो अब तो चुनाव आ गए, नेता लोगों को बोलते होंगे, अब आप बोला करो कि काम ही नहीं हुए तो कहाँ वोट डाले हम? तो काम नहीं हुए तो काम वोट दो उनको पड़ेगी ही नहीं। पड़ेंगे नहीं? नहीं पड़ेंगे, बीजेपी को वोट नहीं पड़ेंगे। तो इस बार किसको पड़ने वाले हैं फिर? ज़्यादातर लगभग कांग्रेस है और इन लो है पार्टी, दो ही पार्टी है। दो ही पार्टी है। में कौन भारी है अभी? कांग्रेस भारी है। ये आदित्य जो बीजेपी छोड़कर इनेलो में आए, इससे कोई फर्क पड़ेगा आदित्य के वोट बैंक पे या लोग नाराज है उनसे? हाँ कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा वोट। यहाँ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस? हाँ जी। कांग्रेस क्यों? क्योंकि 5 साल तो विधायक रहे अमित शाह, काम वाम ठीक किए उन्होंने? काम सरकार ही नहीं थी, काम इसलिए होती है। विधानसभा में आवाज वगैरह उठाई? हाँ आवाज तो उठाई, आवाज एक आपने डब वाली में उठाई, पुलिस जिला वाली। एक सबसे बड़ी मांग जो रही यहाँ इस इलाके की, पानी की जो समस्या वाली रही, जो नाली के पानी जो यहाँ से निकालने के लिए, खरीफ चैनल की जो बात चलती है कालवाना से, तो ये वाला जो मसला है इसके लिए तो खट्टर साहब ने मना कर दिया था, बोला हम नहीं करेंगे, तो ये कोई हल करने की बात कर रहा है अभी कोई नेता? नहीं हाँ। अभी तो कोई नेता हल करने की बात नहीं कर रहा। नहीं कर रहा ठीक है। तो ये तमाम जो लोग थे यहाँ पे, बरगद का पेड़ है काफ़ी पुराना है इस गांव के अंदर, यहाँ पे बैठे लोग अक्सर राजनीति की बातें करते रहते हैं और अब तो खैर चुनाव का मौसम है, तो चुनावी मौसम के दौरान जो लोग हैं वो खास करके राजनीति की ही बातें कर रहे होते हैं। ऐसे में हमने जानने की कोशिश की है कि इस इलाके में, इस सीट पर, इस गांव के अंदर, क्योंकि ये महाग्राम है, इसमें क्या माहौल बन रहा है, जनता की नब्स टटोलने की कोशिश की है हमने, और यहां पर कौन उम्मीदवार जो है वो सबसे आगे चल रहा है। नमस्कार।